नमस्कार, आप सबका स्वागत है यूपीएस न्यूज 24 में। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य खबरों पर। लोक निर्माण विभाग के सुस्त रवैये से ग्रामवासी कीचड़ में निकलने को मजबूर। आपको बताते चले, एक ओर जहां सरकार सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर लोक निर्माण विभाग सरकार के प्रयासों को लगातार विफल करने में लगा हुआ है। मामला फतेहपुर 84 के स्टेशन रोड का है, जहां पर राहगीरों को सड़कों पे चलते हुए गिर जाना कोई बड़ी बात नहीं। कई महीनों से खराब इस सड़क को लेकर ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों को अवगत भी कराया है, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान देने के लिए उचित नहीं समझा। राजकुमार, मुकेश, संजय राठौर, राजेश कुशवाहा, कादिर, हीरालाल, प्रधानाचार आदि सभी ग्रामवासियों ने संयुक्त रूप से इस सड़क को जल्द से जल्द बनवाने की मांग करते हुए कहा कि हम लोग शिकायत करते करते थक गए हैं और कीचड़ में निकलने को मजबूर हैं। अब देखना यह होगा कि क्या समस्या को संज्ञान में लिया जाएगा या फिर हमेशा की तरह नजरअंदाज कर दिया जाएगा। यहाँ से सुबह शाम ट्रेन आती जाती है और आने जाने में बहुत ही दिक्कत है, और ये ग्राम सभा से भी जुड़ा है, अहमदाबाद से नगर। अच्छा जी, इस पे आपने कभी इस पे कोई एप्लीकेशन दी? अरे एप्लीकेशन साहब, कई बार अप्लाई की गई है पर कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। अच्छा, कहाँ पर एप्लीकेशन दी गई, थाने में या एसडीएम साहब को? कई बार पत्रकारों को भी बुलाया गया है। हाँ, पर वो यहाँ पर कोई कदम नहीं उठाया गया है आज तक। अच्छा 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 अच्छा, तो आप लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं? जी बहुत ज्यादा। सुबह शाम ऐसा कोई दिन नहीं जो एक दो लोग इस पानी में निकलते टाइम गिर जाते हैं लोग। अच्छा अच्छा। हाँ, और बाजार भी लगती है सामने, जो यहाँ पर आने वाले कई ग्रामीण और गांव के लोग बहुत ही समस्या उठा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। ठीक ठीक, ओके ओके। आप लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं? जी जी, बहुत ही ज्यादा। ठीक ठीक। जहां सरकार ऐसे विद्यालयों को मॉडर्न बनाने में लगी है, लेकिन वहीं शिक्षा व्यवस्था लचर दिखाई दे रही है। मिश्रोलिया विकास खंड खुनियाव अंतर्गत उड़वालिया गांव के टोला सोनवर्षा में प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के अंदर शिक्षा व्यवस्था की काफी कमी दिखाई दे रही है, जहां बच्चों को पूर्ण रूप से सामान्य ज्ञान की जानकारी देखने का अभाव मिला है। ऐसी स्थिति में बच्चों की अपूर्ण जानकारी सामने दिखाई दिया है। जहां सरकार ऐसे विद्यालयों को मॉडर्न बनाने में लगी है, लेकिन वहीं शिक्षा व्यवस्था लचर दिखाई दे रही है। शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ मध्यम भोजन व्यवस्था में भी लंबी खेल देखने को मिल रही है, जहां बच्चों को ये भी नहीं पता कि उन्हें कौन सा दिन कौन सा भोजन मिलेगा, ना ही रसोई का कोई पता है। आखिर ऐसे विद्यालयों की जांच क्यों नहीं हो रही है? सबसे बड़ी बात सामने तब आई जब मीडिया ने प्राथमिक विद्यालयों के रसोई कपूरा देवी से शिक्षा मित्र व प्रधाना अध्यापक के अनुपस्थिति के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि प्रधाना अध्यापक नंदलाल 10:30 पर अनुपस्थिति में मिलेंगे, तो बताया गया कि वहीं काम से गए हुए हैं। शिक्षा मित्र सपुत्रा देवी भी अनुपस्थिति मिली है। कहा बेटा था? सुमित। तेज से बोलो। सुमित। स्कूल का नाम कहा है तोरे? सोनवर्षा। गांव का नाम कहा है आपके? तोरावलिया। और स्कूलों का नाम कहा है? प्राथमिक विद्यालय सोनवर्षा। कब में पढ़ा था बेटा? 5वीं। फल मिला है खाए के? हाँ। कितने अध्यापक हैं? मास्टर कितने हैं? मास्टर दुई। का नाम है? हाँ सर, आपका क्या नाम है? रंगीलाल सोनी, पूर्व प्रधान उड़वलिया। कहाँ बैठे हैं आप इतने समय? मैं इस समय प्राथमिक विद्यालय सोनवर्षा में बैठा हूँ। तो हम तो इतने समय आए आपके स्कूल पे, तो देख रहे हैं यहाँ के प्रधान अध्यापक गायब हैं। उनका क्या नाम है? और नंदलाल नाम है उनका। वो बराबर नहीं आ रहे हैं क्या स्कूल पे? इसकी तो जानकारी पूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि वो आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। और यहाँ की हम स्थिति देखे, शौचालय का तो यहाँ की स्थिति इतनी खराब है, बाउंड्री वाल सब टूटा हुआ है, सब सड़े सड़े ईंटें लगा करके बाउंड्री बनाया गया था, सारी बाउंड्री जुड़वाने के बाद ही टूट गई थी। शौचालय की चाबी प्रधानाध्यापक के पास होता है, बच्चों के बताने के अनुसार वो चाबी जेब में रख के घूमते, बच्चे सब शौच के लिए बाहर जाते हैं। और यहाँ के लिए जैसे हैंडपंप नहीं है, हैंडपंप खराब है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बच्चे सब दूसरे नलों से पानी, दूसरे के घरों से पानी ला करके काम करते हैं अपना। समस्या बहुत ज्यादा है। समस्या तो बहुत ज्यादा है। तो कमी किसकी है, आप किसकी कमी मानते हैं? इसमें ग्राम प्रधान और प्रधानाध्यापक दोनों लोगों की कमी है। तो क्या होना चाहिए इस पे? इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होना चाहिए, जांच करवा के सरकार इस पे कदम उठाए।
बुंदेला स्टेडियम इटिहा में दो दिवसीय कबड्डी व घोड़ी डांस प्रतियोगिता। बुंदेला स्टेडियम इटिहा में दो दिवसीय कबड्डी व घोड़ी डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम दिन 12 टीमों के बीच मुकाबला हुआ। सो मैच में इटिहा की टीम ने बिचौली पर एक तरफा जीत दर्ज करी। इटिहा ग्राम में सोमवार को वीरभूमि बुंदेलखंड कबड्डी एवं घोड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उप जिलाधिकारी सुनील कुमार ने मंत्रों उच्चार के साथ फीता काट कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। सो मैच इटिहा व बिचौली के बीच खेला गया। एक तरफा मैच में इटिहा की टीम ने मैच जीता। अंधेला मढ़ैया में जन चौपाल लगाकर वितरण किए गए कंबल। जलौन रामपुर विकास खंड में श्याम बाबू फौजी ग्राम प्रधान मिर्जापुर जागीर ने निर्धन असहाय एवं विकलांग विधवाओं को भीषण सर्दी देखते हुए अपनी निजी व्यवस्था के प्रति वर्ष के भांति इस वर्ष भी राजा बेटी माया प्रेमा गुड्डी सुखदेवी मीरा सुमेर कमला धन सिंह दर्शन सिंह केदार नेकराम एवं मोहरम खान आदि लोग को लगभग 50 कंबल वितरित किए गए, जिससे शीतलहर गलन भरी सर्दी से बचाव हो सके। कंबल पाकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखने मिली एवं लोगों ने प्रधान को दिल से दुआएं भी दी। मौसम में हो रहे लगातार परिवर्तन के कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एक और लोग ठंड के कारण घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, वहीं कोहरे लोगों को परेशान करा हुआ है। तेज सर्द हवाओं के साथ बदलते मौसम में होशंगाबाद में कोहरे की चादर उड़ रखी है, जिसके कारण आम लोग परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के कारण लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो वहीं वाहन चालकों को भी वाहन चलाने में परेशानी हो रही है। कोहरा इतना ज्यादा हो रखा है कि कोहरे के कारण सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। स्थानीय निवासी सुनील यादव का कहना है कि कोहरे के कारण वाहन चालकों को बहुत असुविधा हो रही है और ठंड भी बहुत है, जिसके कारण सड़क दिखाई नहीं देती और दुर्घटना की भी आशंका बनी रहती है, जिसके चलते घर से लेट निकलना पड़ रहा है, जिसके कारण कई काम प्रभावित हो रहे हैं। मौसम में परिवर्तन के कारण पड़ रहे कोहरे के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बच्चों को भी स्कूल जाने में काफी परेशानी हो रही है। सुनील यादव, वाहन कोहरा ज्यादा होने के कारण दिखता नहीं है, जिसके कारण वाहन ट्रैफिक निकलने में दिक्कत होती है। हाँ, ठंड भी ज्यादा है तो हाँ आगे दिखता नहीं है, तो फिर वो तो अंदाज से चलाना पड़ता है, नहीं तो दिखता ही नहीं है तो फिर तो एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा ही रहेगी। हाँ सर, धीरे धीरे चलाना पड़ता है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए यूपीएस न्यूज 24 के साथ।